सिटी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। झारखंड के कुख्यात अपराधी अमन साहू गैंग के 4 शूटर गिरफ्तार किए गए हैं। रायपुर पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया। रायपुर और राजस्थान से शूटर्स को गिरफ्तार किया गया है। अमन सिंह गैंग के शूटर सलमान खान के घर पर फायरिंग से तार जुड़े हैं। गैंग को मयंक सिंह मलेशिया में बैठकर ऑपरेट कर रहा था। लॉरेंस बिश्नोई गैंग और अमन साहू के कहने पर टारगेट को अंजाम देता है। तो झारखंड के कुख्यात अपराधी अमन साहू गैंग के 4 शूटर्स को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है। सलमान खान के घर पर भी फायरिंग हुई थी, उनसे इनके तार जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। राजस्थान से शूटर्स को गिरफ्तार किया गया और अमन सिंह गैंग के शूटर सलमान खान के घर पर भी फायरिंग से इनके तार जुड़े होने की बात की जा रही है। सबसे बड़ी बात ये कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग और अमन साहू के कहने पर टारगेट को अंजाम देता था ये गैंग। जिस तरीके से इनको कहा जाता था वैसा ही ये करते थे। लॉरेंस और अमन साहू के बताए पर ये चलते थे। युगल तिवारी संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। युगल, कुख्यात गैंगस्टर्स को गिरफ्तार कर लिया गया है और सबसे बड़ी बात यह कि ये अमन साहू गैंग के 4 शूटर हैं जिनके तार सलमान खान के घर पर हुई फायरिंग से भी जुड़े बताए जा रहे हैं। अब तक क्या डिटेल्स निकलकर सामने आए हैं, क्या पूछताछ का सिलसिला जारी है? जी देखिए, रायपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। इंटेलिजेंस को एक सूचना मिली थी जिस आधार पर झारखंड के जो गैंगस्टर है अमन साहू और उसके गैंग के जो 4 शूटर को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने ये भी जानकारी दी है कि कुछ जो यहाँ के कोल के बड़े व्यापारी हैं उनसे ये वसूली किया करते थे और जब रकम नहीं दिए तो उनकी हत्या की साजिश और प्लानिंग ये बनाए थे। और हालांकि अभी वो कौन व्यापारी है इसका खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन छत्तीसगढ़ में आए हुए थे, बड़ी घटना को अंजाम देने वाले थे। राजस्थान और रायपुर से इनकी गिरफ्तारी हुई है। इनके पास जो पिस्टल्स हैं, जो कारतूस हैं, वो भी बरामद हुआ है। मोबाइल भी बरामद कर लिया गया है और ये है कि वारदात को अंजाम देने से पहले इन्हें दबोच लिया गया है। और ये वही गैंग है, लायंस बिश्नोई गैंग के हैं, जो सलमान खान के घरों पर भी फायरिंग कर चुके हैं। तो इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से ये टारगेट लगाकर किलिंग करने का काम करते थे। एक कुख्यात गैंग के ये शूटर हैं जिन्हें रायपुर की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फिर भी पूरे मसले की जांच और पूछताछ अभी की जा रही है, लेकिन एक बड़ी सफलता है। बड़ी वारदात को अंजाम देने से पहले ऐसे जो बदमाश है उनके सरगना और उनके जो शूटर है उनको गिरफ्तार किया गया है। तो इससे साफ जाहिर है कि रायपुर पुलिस को जिस तरह से सूचना मिली थी तो उन्हें बड़े ही सुनियोजित तरीके से प्लानिंग करके गिरफ्तार कर लिया गया है। जी अंशिका, बहुत शुक्रिया युगल जानकारी साझा करने के लिए। तो फिलहाल पूछताछ का सिलसिला एक तरफ जारी है तो दूसरी तरफ तार, क्योंकि 2 गैंग के ये शूटर्स हैं और 2 गैंग के ये शूटर्स को गिरफ्तार किया गया है तो इससे और भी चीजें बातें सामने आने की उम्मीद की जा रही है। अमन साहू जो है कि अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर्राज्यीय गैंग है, उनके 4 सदस्यों को फायर आर्म्स के साथ गिरफ्तार करने में सफलता पाई गई है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट पे बेस्ट ऑपरेशन पिछले 2-3 दिनों से चल रहा था जिसमें रोहित स्वर्णकार झारखंड का निवासी, मुकेश कुमार, देवेंद्र सिंह एवं पप्पू सिंह तीनों राजस्थान के निवासी, इनको पकड़ा गया। ये लोग छत्तीसगढ़ के कुछ औद्योगिक घरानों के ऊपर और उनके मालिकों के ऊपर हमला करने वाले थे।